मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कॉफी? या माय मॉर्निंग फ्यूल. कैफीन रश राइट? या. बड़ा ही अजीब दफ्तर है यार, मई के महीने में इतनी ठंड. एसी होगा, वो एसी ना होता ठंडा करने वाला. ये लो. ओह नो नो, यू हैव इट, आई विल मेक वन फॉर मायसेल्फ. अरे एसी है तो दिखता क्यों नहीं है? ये आप ले लो. I'll make one for myself and we'll join. That's so sweet of you. ऐसे लगता है शिमला में काम कर रहे हैं. शिमला में? अरे क्या हुआ? So prep for the meeting? Yeah, almost. लग रही है ना राम सीता की जोड़ी? दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, थोड़ा पास जाके दिखाओ. That's good. So we'll mainly focus on what to do for the next quarter, right? अरे बहू मिल गई बहू के पापा. बहू मिल गई. I'll see you in the meeting. क्या कर रहे हो यार? ऑफिस है ये मेरा. सो टुडे वी हैव गैदर्ड हियर टू डिस्कस आवर प्रोग्रेस ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर. इट्स अ रिफ्लेक्शन आवर हार्ड वर्क व्हिच हैज मेड दिस टू द सक्सेस. देख रहे हो बेटा कैसे अंग्रेजी में तेज तेज जुबान चल रही है इसकी. बचपन में मुगली गुट्टी पिलाई थी, उसी का नतीजा है. पीता ही नहीं था वो, तो जबरदस्ती नाक पकड़ के पिलानी पड़ती थी. दैट्स क्यूट. सो हियर वी नीड ऑल योर वैल्यूएबल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ आवर टारगेट्स टू बी अचीव्ड इन द फोर्थ कमिंग क्वार्टर. ये देखो इस नंगू को, ये ज्यादा क्वीट है या वो? Oh. चलो रहने दो, ग्रुप में डाल के फैमिली से ही पूछ लेते. Aditi, have you shared me the Gantt chart report? Yes, sir. I shared on your WhatsApp. Okay. बेटा सुनना यार, मुझे क्या पता था कि फोन पर भेजी फोटो टीवी पर चल जाएगी. पुपी सुन ले यार. मिस्टर त्रिवेदी, आई हैव एन इंपॉर्टेंट कॉल टू अटेंड. कॉल यू वंस आई एम फ्री. ओके. बहुत ही नोटी है. कोई नहीं बेटा, तरक्की करो. अब आई ना कप में चमक. अब जब लोग साफ कप में चाय पियेंगे तो पुण्य किसको मिलेगा? तुम्हें ही ना. हाँ जी सर. करो बेटा करो. यार पप्पू भैया, इतनी देर से फोन मिला रहा हूँ, फोन का डाल गए हो आप? सर आगे पिताजी मना कर रहे थे, कह रहे पहले पूरा बर्तन मजो फिर फोन उठाना. हम क्या कर बताइए आप. पापा. क्या पापा? पापा एक तो कप सही से साफ नहीं करता. मैं उधर कॉफी पीने गया, उसमें काई लगी हुई थी पूरे में. मैं हरी चाय पी सकता हूँ, हरी कॉफी नहीं पी सकता. सर एक आध बर्तन में रह गया होगा, वरना ना मैं मुंह से भाप मार के बर्तन की चमकाई चेक करता हूँ. अभी जाओ और मेरी टेबल पे रख के आओ पानी. जाओ. काम चोर कहीं का. क्या कर रहे हो यार, हद हो गई. ओए पोपी, अबे सुन ले यार, मेल कर दिया तुझे, देख लियो एक बार जरा. ओए पोपी. या आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट. आई लुक इनटू दिस मैटर. पोपी आजा, तेरी माँ ने जमे भेजे हैं घर से गर्मा गर्म, आजा खा लेते हैं. I'll call you in just 5 minutes, huh? अरे आजा यार, ठंडे हो जाएंगे वो, ठंडे होने के बाद पेट में जम जाएंगे, क्या फायदा? पापा बैठो इधर. हाँ लेट बैठ गया. बता क्या हुआ, क्या चल रहा? क्या चल रहा है? क्या कुछ नहीं चल रहा. बहुत बढ़िया ऑफिस है तेरा यार, मजे आ गए. Exactly, ये ना ऑफिस है मेरा और पापा ना अब घर पे हो. इधर इनका पापा, I mean मैनेजर हूँ यार मैं. I'm proud of you बेटा. पापा देखो,
आपने ही कहा था ना कि अर्ली रिटायरमेंट ले ली है, घर पे खाली बैठ के घबराहटें मचती है, नौकरी लगवा दूं। लगवा दी ना यार आपकी यहाँ जॉब, तो करो ना काम। मैं बेटा हूँ आपका, लेकिन घर पे। और ये क्या गूगल पे आप उल्टी सीधी चीजें देखी जा रहे हो? अब क्या किया मैंने, क्या बोल रहे तू? ये कैसी कैसी चीजें सर्च करी जा रहे हो? इसीलिए निकलना था ना आपको घर से बाहर। ओ बेताल, ये बताएगा कि मुद्दा क्या है? सवाल ही पूछी जाएगा मेरे से? पापा पॉर्न देख रहे हो आप बैठ के? हैं मतलब? अरे ब्लू फिल्म, अश्लील चित्र। बापू तेरा कैसी बातें कर रहा है यार। आईटी सिक्योरिटी से फोन आया था, कह रहे थे आपका एक एम्प्लॉई ये सब चीजें देख रहा है। क्या बोलूं, पापा है मेरे। तूने ही तो कहा था यार x.com से प्रेजेंटेशन बना लो। मैंने वही तो किया, एक बार x दबाया वो तीन बार दब गया, अब ट्रिपल x हो गया, तो मेरी क्या गलती है यार उसमें? गॉड पापा, आई थिंक आपको ना यहाँ काम ही नहीं करना चाहिए। लगा ही था मेरी जिंदगी बागबान सी होती जा रही है। उधर अमित जी थे जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा, और यहां मेरे को तेरा ऑफिस। कोई नहीं बेटा, ढूंढ लूंगा मैं भी अपना सलमान। पापा यार आप ना ड्रामे मत करो ज्यादा। इसी दिन के लिए बड़ा किया था तुम्हें कि बाप जो फील कर रहा है ना वो तुम्हें ड्रामा लगे। तुम मिलेनियल्स ना कभी नहीं समझ पाओगे मूवमेंट्स की बातें, समझे? और तुम्हें पता है कि हम मगरमच्छ वाली नदियां पार करके जाया करते थे स्कूल। एक मिनट, आप बीकानेर से हो ना? पूरे बीकानेर में नदी कहां है पहले तो ये बताओ। ग्लोबल वार्मिंग से सूख गई, उससे तुझे क्या लेना है यार? मुद्दा ये है कि तुझे बाप की इज्जत करना नहीं आता। पापा प्लीज, मेरे पास ना आपकी ये बकवास सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आई हैव अ मीटिंग विद माय बॉस व्हिच आई हैव टू अटेंड, प्लीज लीव। वैसे सच बताऊं तो वो फोटोज देखकर समझ में आया कि सर को ना सारी क्यूटनेस आपसे ही मिली है। और गुस्सा अपनी माँ से, खड़ूस कहीं का। ज्यादा बुरा लगा। बेटा एक बात बताऊं, बच्चे जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना तो माँ बाप को बहुत प्राउड फील होता है, और जब उनकी रफ्तार आपकी पकड़ से बाहर हो जाए ना तो आपको कहीं ना कहीं अपनी परवरिश पे शक होता है। अंकल रिश्ते ना परफ्यूम की तरह होते हैं, चाहे दिन भर जितनी भाग दौड़ कर लो, पसीना बहा लो, लेकिन उनकी खुशबू कभी नहीं जाती। वैसे ही इंसान करियर के पीछे भागता है, वो खुद को सेटल होते देखना चाहता है। और ये सब किस लिए? फैमिली के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने उसे चलना सिखाया है अब वो लोग आराम से बैठकर अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, मज़े करें लाइफ में। और रही बात परवरिश की, तो जहाँ तक मैं सर को जानती हूँ वो अभी आपको ढूंढते हुए आते ही होंगे। जवे माइक्रोवेव में गर्म कर दिए हैं, अब ठंडे हो गए तो मैंने दोबारा गर्म नहीं करने। बेटा कह दे इसको, जिसके साथ मीटिंग ही करता है ना उन्हीं को खिला दे जाके जवे अपने। यार पापा आपने ही तो हमेशा सिखाया है कि अपने कर्म के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। बस जो नहीं सिखाया वो ये कि मुश्किल वक्त में मुस्कुराते कैसे। मेरे लाइफ की ट्यूशन टीचर, एक लेसन और दे दो। पर तूने अब मुझे कैबिन से बाहर निकाला ना, तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने ना आपके साथ आपके बे एरिया में आके बैठना है, ठीक है? ठीक है, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो। तुम दोनों ना शादी कर लो। अरे यार मैं नहीं खेल रहा यार। अरे बात तो सुन पोपी।